नमस्कार दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति किसी कैपिटल एसेट को बेचता है तो उसके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, क्या मैं इस कैपिटल गेन से जुड़े टैक्स को बचा सकता हूँ। और उसी टैक्स को बचाने में दोस्तों कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की क्या डिटेल्स हैं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आज की इस वीडियो में सर यही सारे बिंदु लेकर आपके समक्ष हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जो मुख्य प्रश्न हम आज की इस वीडियो के थ्रू जिनका उत्तर पाने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो क्या क्या है। व्हाई कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्यों आती है, क्यों आई, व्हाट इज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988, ये स्कीम बेसिकली है क्या, व्हाट इज द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, मैंने इसे स्मॉल में CGS लिख रखा है सर, कि इस स्कीम में पैसे जमा कराने की अंतिम तिथि क्या हो सकती है, What are the types of accounts under this scheme? इस स्कीम में कौन कौन से तरीके के खाते खुलते हैं, What should be the treatment of interest earned on capital gain account scheme? What is the procedure of withdrawal from capital gain account scheme? And अंत में What if the amount could not be used within the specified period? तो हमारे पास में क्या विकल्प रह जाते हैं। तो आइए दोस्तों इन प्रश्नों का एक एक करके उत्तर आगे देखते हैं। तो दोस्तों why capital gain account scheme एक बहुत सरल सा प्रश्न है, लेकिन इसकी परिकल्पना, इसकी अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट ने क्यों करी कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का एक ऑप्शन दिया जाए। जनरली सरकार ये चाहती है कि आपने अगर कैपिटल गेन कमाया है और आप री इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको री इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक और ऑप्शन हमने दे दिया, टू एनकरेज द री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन और नेट कंसिडरेशन इन टू अ न्यू एसेट। तो आपको इन द मीनवाइल जहां पर पैसा पार्क करना है, वो पैसा पार्क करने के लिए एक अकाउंट मिला दोस्तों, उस अकाउंट का नाम कहलाया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। अब अगला प्रश्न निश्चित रूप से सर आपका होगा कि भाटिया जी, व्हाट इज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988? तो मैं इसे एक डेफिनेशन पोर्शन के रूप में आपके सामने रखता हूं। इन दिस स्कीम द टैक्स पेयर इज गिवन एन ऑप्शन ऑफ डिपॉजिटिंग अंडर यूटिलाइज कैपिटल गेन और नेट कंसिडरेशन इन अ स्पेसिफाइड बैंक अकाउंट टू बी टर्म्ड एज कैपिटल गेन अकाउंट। द इन्वेस्टमेंट सो मेड इन द स्कीम अलाउज द असेसी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कैपिटल गेन एग्जम्पशन बाय ट्रीटिंग द अमाउंट सो डिपॉजिटेड एज इन्वेस्टमेंट मेड इन द न्यू एसेट। बेसिकली होता क्या है सर कि आप एक संपत्ति बेच रहे हैं, दूसरी संपत्ति खरीदेंगे, इस दौरान कुछ समय लगता है, वो समय में आपका पैसा या तो आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट में रहे, और अगर आपके पास में एक लंबा पीरियड है री इन्वेस्ट करने के लिए, से प्रॉपर्टीज के केस में 2 साल 3 साल तक का भी समय मिलता है, तो वो पैसे का कहीं दुरुपयोग ना हो जाए, वो पैसा आपके हाथ से खिसक ना जाए, इसलिए एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की व्यवस्था भारत सरकार ने करी कि आप ये डेडिकेटेड अकाउंट है साहब, इसमें जमा करा दीजिए तो हम आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन दे देंगे। यानी आप री इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाए, पर आपको ये ऑप्शन दे दिया, चलिए जी जब तक आप री इन्वेस्ट करेंगे तब तक आप इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अपने पैसे को सुरक्षित रख लीजिए, और जब आपको जरूरत हो स्पेसिफिक पर्पज से तब आप इस खाते से पैसा निकालिए और उस पर्टिकुलर पर्पज में जो आपने सोचा है रीइन्वेस्टमेंट का उसे यूज कर लीजिए। तो जो पैसा दोस्तों हम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसे भारत सरकार इनकम टैक्स एग्जम्पशन के पर्पजेस से एलिजिबल मानती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जो बात मैंने करी दोस्तों आपके साथ पहले, उसी पर एक एग्जाम्पल रखता हूं कि मान लीजिए एक मिस्टर अमन है जिन्होंने एक रेजिडेंशियल हाउस बेचा 12 जुलाई 2020 को 40 लाख का, जिसमें उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 25 लाख का, यानी उनकी कॉस्ट 15 लाख थी। अब मैं ये मान लेता हूं कि मिस्टर अमन चाहते हैं कि मैं री इन्वेस्टमेंट कर दूं एज पर इनकम टैक्स स्कीम, तो उनको 25 लाख रुपए सर नए रेजिडेंशियल हाउस में या तो 2 साल में खरीदने में लगाने हैं या 3 साल में निर्माण में लगाने हैं एज पर सेक्शन 54 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब होता क्या है सर, मान लीजिए मिस्टर अमन 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं 15 अप्रैल 2021 तक एक प्लॉट ऑफ लैंड में फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, तो उन्होंने अभी केवल 10 लाख रुपए लगाए सर 15 अप्रैल 2021 तक, 15 लाख और लगाने हैं। अब इस दौरान लॉकडाउन लग गया सर, और वो जो कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे, तो ऐसी परिस्थिति में सर एक जेन्युइन सर्कमस्टांस बनी दैट द असेसी इवन इफ ही इज विलिंग ही कुड नॉट इन्वेस्ट द प्रोसीड्स इनटू कंस्ट्रक्शन। तो बाकी के 15 लाख जो उन्हें कंस्ट्रक्शन में लगाने थे, लॉ उन्हें क्या ऑप्शन दे रहा है कि मान लीजिए ड्यू डेट फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर 2021 31 जुलाई 2021 है, तो मिस्टर अमन 15 लाख रुपए 31 जुलाई तक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दे, और बाद में जो उनको टोटल 2 साल या 3 साल का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का केस है दोस्तों, 3 साल का पीरियड मिला है, उस 3 साल की अवधि में उस खाते से पैसा निकालें। ये 3 साल की डेट सर डेट ऑफ ट्रांसफर से लागू होती है,
उस 3 साल की अवधि में फिर उस स्पेसिफाइड अकाउंट से पैसा निकालेंगे और निकाल करके कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेंगे। तो आई होप यू कुड अंडरस्टैंड हाउ दिस पर्टिकुलर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वर्क्स। तो दोस्तों जैसे पिछले एग्जाम्पल से बात क्लियर हुई, फिर भी और स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा, व्हाट इज द डेट ऑफ डिपॉजिटिंग अमाउंट इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। आपकी जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है, रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के लिए होती है, आपको उस ड्यू डेट तक रिलेवेंट अकाउंट में पैसा जमा करा देना है कैपिटल गेन अकाउंट में, यानी खाता खुलवा के पैसा उस खाते में पहुंच जाना चाहिए अगर आपने उस पैसे को स्पेसिफाइड यूजेज में नहीं लिया है तो। तो आई एम सिंपली स्पीकिंग ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। कई बार दोस्तों ITR की ड्यू डेट भारत सरकार एक्सटेंड करती है, तो ये एक्सटेंशन लोगों को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के पर्पज से भी एक्सटेंशन दे जाता है। ये एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। यहां दोस्तों आपके सामने बात रख रहा हूं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स व्हिच आर ओपन अंडर द स्कीम। बेसिकली क्या है सर, आपको एक फॉर्म ए इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अनुरूप अपना खाता खोलने के लिए बैंक में सबमिट करना है। दो तरीके के खाते खुलते हैं दोस्तों, एक टाइप ए अकाउंट जो कि सेविंग अकाउंट के रूप में खुलता है, और टाइप बी अकाउंट जो कि एक FD अकाउंट होता है जो कुमुलेटिव ऑप्शन से भी खुल सकता है, नॉन कुमुलेटिव से भी खुल सकता है। अब कुमुलेटिव नॉन कुमुलेटिव क्यों? अगर आपको लगता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अभी हमने मिस्टर अमन का केस देखा, उनको 15 लाख कंस्ट्रक्शन में लगाने थे, उन्हें लगता है कि मेरे को और कंस्ट्रक्शन में पैसा चाहिए लेकिन अभी समय लगेगा, तो हो सकता है वो एक कुमुलेटिव FD करा दे। उन्हें लगता नहीं 15 लाख से मेरा काम हो जाएगा, बाकी का ब्याज तो मैं नॉर्मल अर्न करूं और उसे एंजॉय करूं, तो यस देन ही कैन ऑप्ट फॉर नॉन कुमुलेटिव ऑप्शन ऑल्सो। तो रेगुलर पेमेंट लेते रहे इंटरेस्ट का, और जो मूल अमाउंट है वो खाते में जब तक प्रयोग ना की जाए तब तक पड़ी रहे। यहां देखिए दोस्तों प्रश्न है हमारे सामने, व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इन कैपिटल गेन अकाउंट। आपने कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा कमाया, ब्याज कमाया, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? बड़ा सिंपल आंसर है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न इज टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी वो आपकी नॉर्मल अदर सोर्स की इनकम बनी रहेगी। साथ ही दोस्तों एक और बात ध्यान रखनी है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन केस ऑफ टाइप बी अकाउंट जो कि FD के रूप में खुलता है, सच अमाउंट शुड ऑल्सो बी री इन्वेस्टेड इन टू न्यू एसेट। जरूरी नहीं है कि आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम टाइप बी अकाउंट यानी FD अकाउंट खोलें तो इंटरेस्ट को भी स्पेसिफाइड पर्पस यूज करें, इंटरेस्ट को आप जैसा मैंने पहले बोला नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। यहां देखिए दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न लेके आ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से विड्रॉल का क्या प्रोसीजर है? बेसिकली क्योंकि टाइप ए अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है सर, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जैसे जैसे आपको प्रयोग करना है, जैसे अभी अमन जी का केस था, हमने 15 लाख रुपए देखा उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए सेविंग बैंक अकाउंट में जमा कराए, तो ठीक है। अब मान लीजिए पोस्ट दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन विच क्लोजेस, और मेरी उम्मीद है कि जल्दी ये लॉकडाउन क्लोज हो, यानी जनता जनार्दन स्वस्थ इस कोरोना की दूसरी लहर से बाहर आए, तीसरी लहर नहीं आए, और फिर जब परिस्थितियां नॉर्मल हो, मिस्टर अमन ने दोबारा कंस्ट्रक्शन शुरू किया, उन्हें 2 लाख रुपए चाहिए ताकि वो ठेकेदार को पेमेंट कर सके, यस ही कैन विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट एंड मेक पेमेंट टू द रिलेवेंट कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन दोस्तों अगर टाइप बी अकाउंट है तो आपको वो जो पेमेंट है टू मेक पेमेंट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस आफ्टर इंटीमेशन टू द बैंक, आपको बैंक को बताना है कि साहब मेरे को अब मेरा निर्माण कार्य शुरू हो गया या मेरे खरीद का टाइम आ गया, तो अब मैं आपको इंटीमेट कर रहा हूं मेरा पैसा मुझे विड्रॉ करने दीजिए। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों हो सकता है आपको FD जो कराई थी वो ब्रेक करनी पड़े। एक फॉर्म सी भरना पड़ेगा सर जब आप पहली बार विड्रॉल करते हैं तो, और फॉर्म डी भरना पड़ेगा जब आप सबसीक्वेंट विड्रॉल करते हैं अकाउंट से, तो ये सब फॉर्म्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अमाउंट विड्रॉन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन शुड बी यूज्ड विद इन 60 डेज ऑफ विड्रॉल, जो आपने अमाउंट विड्रॉ करी खाते से स्पेसिफाइड अकाउंट से वो 60 दिन में यूज करी, अगर नहीं कर पाते तो वापस से जमा करा दीजिए। ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 से ये बातें निकल करके आ रही। एक और प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इफ द अमाउंट कुड नॉट बी यूज विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो पहले मैंने बोला सर आप 60 डेज के अंदर तो जो अमाउंट विड्रॉ करी उसको या तो यूज नहीं कर पाए तो वापस जमा कराएं। यहां मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए आपका 2 साल 3 साल का री इन्वेस्ट पीरियड खत्म हो गया और अभी भी आप नहीं यूज कर पाए तो क्या होगा सर? तो जो पिछला कैपिटल गेन टैक्स आपने बचाया है वो अब देना पड़ेगा, ऐसा लॉ बहुत सी अलग अलग सेक्शन में प्रावधान करता है। साथ ही दोस्तों जब आप फाइनली अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म जी बैंक को सबमिट करना पड़ेगा जिसके साथ में एक अप्रूवल लगानी पड़ेगी जुरिडिक्शन असेसिंग ऑफिसर की। उस अप्रूवल के साथ ही दोस्तों आपका ये खाता बंद हो पाएगा, अन्यथा ये खाता बंद नहीं होगा।
एक और बात सर, अगर एसएससी की मृत्यु हो जाती है अनफॉर्चुनेटली और उसका पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ही पड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके लीगल हायर को फॉर्म एच सबमिट करके वो अमाउंट विड्रॉ करने की परमिशन इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के प्रारूप के अनुसार मिलेगी। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु सर जो क्विकली आपके सामने रख सकता हूं, इस खाते में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। ये अकाउंट रैंक की ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर हो सकता है। जनरली इस खाते के अगेंस्ट में सर लोन फैसिलिटी एसएससी को प्रोवाइड नहीं की जाती। जो पीरियड ऑफ डिपॉजिट है वो मैक्सिमम 2 से 3 साल होता है, क्योंकि आपको समयावधि भी नए री इन्वेस्टमेंट की 2 से 3 साल मिलती है मैक्सिमम। और जो आपका नेचर ऑफ अकाउंट है वो एफडी से सेविंग बैंक में और सेविंग बैंक से एफडी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। अंत में दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम पर बनी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे। आपके कैपिटल गेन से रिलेटेड या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से रिलेटेड और कोई प्रश्न हो तो आप मुझे लिखें, मैं उनका उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।